स्कूल ऑनलाइन क्लासेस आते हैं बेटा, फिर दोबारा से अपने इंग्लिश रीडर पर। देखो इंग्लिश रीडर में चैप्टर नंबर 9 द इंपेशेंट स्पैरो मैंने करवाया था आपको। फिर उसके बाद हमने ग्रामर में अपना चैप्टर नंबर 12 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को कंप्लीट किया। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं फिर दोबारा से अपने चैप्टर नंबर 9 के सेकंड पार्ट। ठीक है, क्योंकि जब हमने चैप्टर नंबर 9 किया तो बेटा उसके दौरान अपने इंग्लिश के टेस्ट हुए थे। ठीक है, तो हमने रीडर को वहीं पर स्टॉप कर दिया था। ओके बेटा, अब फिर दोबारा से आते हैं चैप्टर नंबर 9 का सेकंड पार्ट, द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 9th चैप्टर ही है, चैप्टर नंबर 9 ही है, बट उसका ये सेकंड पार्ट है। इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, बट इसको रीड करना जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बर्ड्स के बारे में हमें और भी ज्यादा नॉलेज इसमें मिलेगी। ओके बेटा, चैप्टर का नाम है द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बर्ड मैन, पक्षी मानव भारत का। ठीक है, जैसे सुपरमैन स्पाइडरमैन आपने सुने होंगे, इसी तरीके से मिसाइल मैन भी है, आयरन मैन भी है। ठीक है, और बर्ड मैन भी है। देखो मिसाइल मैन हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं जो एक्सपायर हो गए हैं, अपने प्रेसिडेंट भी वो रह चुके हैं अपने इंडिया के। और जो अभी बताया मैंने आयरन मैन, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, इसी तरीके से बर्ड मैन। ठीक है, बर्ड मैन पक्षी मानव हमारे भारत के कौन है, देखो उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे उन्होंने क्या क्या किया। ओके बेटा, सो आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर, कीप योर पेंसिल विद यू एंड अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स दैट आई एम ट्रांसलेटिंग इनटू हिंदी। आपको साथ में उनकी हिंदी भी लिखनी है। ओके बेटा, इन जनवरी 2016, देखो अभी हाल फिलहाल की बात है, ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है। ठीक है, 2016 चार साल ही हुए हैं जय में 2016 को। इन जनवरी 2016 ए टीम ऑफ साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक, आइडेंटिफाइड पहचान की ए न्यू स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इन द हिमालय। ठीक है, क्या हुआ, जनवरी 2016 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक नई प्रजाति के पक्षी की पहचान की, कहां, हिमालय। ठीक है, हिमालय प्लेस है हिमालय। ठीक है, हिमालय में उन्होंने एक नई प्रकार की प्रजाति, प्रजाति क्या होती है, प्रजाति क्या होती है, जैसे हम ह्यूमन। ठीक है, अब जैसे डॉग्स हैं, डॉग्स की अलग अलग स्पेसीज होती हैं, अल्सेशियन होते हैं, देखे ना आपने अलग अलग टाइप के, कोई कैसे मुंह वाला कुत्ता होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके के उनको स्पेसीज बोलते हैं। जैसे बर्ड्स में, स्पैरो में भी बहुत सारी स्पेसीज होती है, कोई अलग रंग की होती है, कोई कैसी होती है, कोई कैसी होती है। ठीक है, वो स्पेसीज होती है। ठीक है बेटा, वैज्ञानिकों ने एक नई प्रकार की प्रजाति की पहचान की हिमालय में। दे हैड स्टडीड इट, उन्होंने उसका अध्ययन किया फॉर 6 इयर्स, 6 साल। ठीक है, 6 साल तक उन्होंने उसका अध्ययन किया। द बर्ड वॉज नेम्ड जुथेरा सलीम अली। देखो जब उन्होंने खोज कर दी, उससे पहले उन्होंने 6 साल तक उस चीज पर अध्ययन किया और फिर उन्होंने उसकी पहचान निकाली 2016 में। ठीक है, द बर्ड वॉज नेम, और फिर उस पक्षी को क्या नाम दिया उन्होंने, जुथेरा सलीम अली। ठीक है, आफ्टर इंडियाज बर्ड मैन डॉक्टर सलीम अली। किसके नाम पर उस पक्षी को नाम दिया, किसके नाम पर, हमारा जो पक्षी मानव है सलीम अली। ठीक है, पक्षी मानव यानी कि इंडिया के जो बर्ड मैन है उनका नाम था सलीम अली, उनके नाम से उस चिड़िया को भी क्या नाम दिया साइंटिस्ट ने, जुथेरा सलीम। When he was a little boy, कौन, बर्डमैन। ठीक है, जो हमारे इंडिया के जो बर्डमैन है, जब वो एक छोटे से लड़के थे, सलीम found a tiny bird in their garden, तो सलीम ने अपने बगीचे में छोटी सी चिड़िया को देखा। छोटे से लड़के थे तो उन्होंने अपने बगीचे में छोटी सी चिड़िया को देखा। He took the bird to his uncle, और वो उस चिड़िया को कहाँ ले गए, अपने अंकल के पास, अपने चाचा जी के पास, जिनका नाम क्या था, अब्बास तैयब जी। ठीक है, बर्डमैन कौन है, सलीम अली, और वो चिड़िया को किनके पास लेके गए, अपने अंकल अब्बास तैयब।
रहीम को टू मीट W.S. मिलर एट बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, कहाँ ले गए? W.S. मिलर के पास एट बॉम्बे, बॉम्बे में जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि एक विभाग है, एक मतलब अनुसंधान बनाया हुआ था जहाँ पर चिड़ियों की खोज की जाती थी, वहां पर W.S. मिलर थे जो मेन मतलब बर्ड्स के बारे में जानकारी रखते थे, उसके पास वो सलीम अली को ले गए। He identified the bird as the yellow-throated sparrow. और उन्होंने उस पक्षी की पहचान कैसे की? कैसे की? पीले गर्दन वाली चिड़िया। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि इसकी पहचान कैसे की उन्होंने, उन जो W.S. मिलर्ड है उन्होंने कैसे पहचान की कि ये पीले गले वाली चिड़िया है। थ्रोट का मतलब होता है गला। ठीक है, येलो यानी कि पीले गले वाली चिड़िया है। सलीम अली बिकेम इंटरेस्टेड इन बर्ड्स, और ये देखकर फिर सलीम अली भी उन चिड़ियों में बहुत ही ज्यादा, जो बर्ड्स हैं उनमें, पक्षियों में बहुत ही ज्यादा रुचि वो लेने लगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि अलग अलग वैरायटी की बर्ड्स होती हैं, नई नई तरीके की होती हैं, मैं भी उनको देखूंगा, उन्हें पहचानूंगा कि वो कैसे आवाज करती हैं, कैसा उनका स्वभाव होता है, कैसे वो दिखती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वो करने लगे, उन सभी चीजों को वो आइडेंटिफाई करने लगे। He began maintaining a diary about birds. और फिर उन्होंने क्या किया, अपनी एक डायरी बनाई, उन्होंने पक्षियों के बारे में लिखने लगे कि इस तरीके के पक्षी को ये नाम है, ये इस तरीके की दिखती है, इस तरीके से उन्होंने नई नई अपने उसमें मेंटेन करने लगे। He wrote notes about the appearance. और फिर उन्होंने लेख लिखे। ठीक है, उन्होंने नोट्स लिखे अबाउट द अपीयरेंस कि कोई जो चिड़ियाएं हैं वो दिखती कैसे हैं, एंड बिहेवियर उनका स्वभाव ऑफ द बर्ड्स ही ऑब्जर्व्ड, यानी कि ऑब्जर्व का मतलब जिन जिन पक्षियों को उन्होंने जांचा, जिन जिन पक्षियों को उन्होंने देखा उनके बारे में लिखा कि कौन सी पक्षी, कौन सी चिड़िया कैसी दिखती है, क्या उसका बिहेवियर। ठीक है बेटा, यानी कि फिर दोबारा से बता रही हूँ, वो जैसे किसी भी बर्ड को जब देखते उसका निरीक्षण करते, उसको ऑब्जर्व करते, तो उसके बारे में लिख लेते थे कि इस तरीके की चिड़िया ऐसी दिखाई देती है और उसका ये बिहेवियर है, ऐसे वो आवाज करती है, ठीक है, ऐसे होती है, वो उस सब वो लिखने लगे। He also began reading books about birds. और साथ में वो किताबें भी पढ़ने वाले लगे, नई नई जो किताबें हैं पक्षियों के बारे में उनको भी वो पढ़ने लगे, यानी कि उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया था बर्ड्स में, अचानक से वो बर्ड्स के बारे में ही सारे नॉलेज लेने लगे। When he was 20 years old, और जब वो 20 साल के हुए, सलीम अली बिकम अ गाइड लेक्चरर एट द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। और जब वो 20 साल के हुए तो वो एक गाइड बन गए। गाइड का मतलब जानते हो ना आप, गाइड जैसे कोई भी कहीं भी हम घूमने जाते हैं, जैसे ताजमहल जाए या लाल किला जाए, तो वहां हमें गाइड मिलते हैं, यानी कि जो हमें उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, जो जो मोन्यूमेंट्स है या जो कोई भी म्यूजियम है उनके बारे में हमें बताते हैं कि इसमें ये है, ये उस टाइम का है, ये उस टाइम का है, ये उससे बना है। ठीक है, अब क्योंकि हम तो जाते तो हमें थोड़ी नॉलेज होती है इतनी, वो हमें नॉलेज देते हैं उन चीजों के बारे में, उनको गाइड। ठीक है, तो सलीम अली 20 साल की उम्र में एक गाइड लेक्चरर बन गए, कहां पर? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। 2 years लेटर, और 2 साल बाद ही ट्रेवल्ड टू जर्मनी। फिर वो कहां गए? जर्मनी गए टू स्टडी मोर अबाउट द बर्ड्स, और भी ज्यादा यानी कि पक्षियों के बारे में और भी ज्यादा अध्ययन करने के लिए, और भी ज्यादा उनको समझने के लिए वो कहाँ गए? फिर जर्मनी। ओके बेटा, नेक्स्ट इन नेक्स्ट असाइनमेंट। ओके, थैंक यू।